बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे रह रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने के लिए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानियां विस्तार से बताई। महात्मा ने कहा कि आप सब मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है और वापस अपने गांव के लिए चल दिए। एक हफ्ता बीत गया लेकिन साधु जी को अभी तक कोई हल नहीं मिला। उन्होंने गाँव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद केवल ऊपर वाला भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे भगवान को खुश करने के लिए। कुछ दिनों बाद भगवान भी खुश हो गए और भगवान ने उन सब की सुन ली। भगवान ने गांव में एक दूत भेजा। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के पास वाले एक कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गाँव में घनघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इतना कहकर वह दूत वहाँ से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसको पता चलने वाला है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गाँव वाले सुबह उठकर बारिश होने का इंतजार करने लगे। लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही दिख रहा था जैसा पहले था। बारिश के होने की थोड़ी भी संभावना नहीं दिख रही थी। देर तक बारिश का इंतज़ार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं में देखा तो कुआ पानी से भरा हुआ था और उस कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई, और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने भी यही सोचा था कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, मेरे एक लोटा पानी डाल देने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं डाला और कुएं को पानी से भर दिया। दोस्तों, इसी तरह हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक एक कुछ करने से क्या होने वाला है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यह बहुत पुरानी कहावत है। आप यह भी भूल जाते हैं कि एक ट्रेन जो पटरी पर चलती है, उस ट्रेन के सारे डिब्बों को खींचने में केवल एक इंजन ही काम करता है। हमें अपने समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए सबसे पहले स्वयं को सुधार करना चाहिए और स्वयं को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।